हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़कम। आप सभी का हमारे जहांस किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आलू गोभी की स्पेशल रेसिपी के डायरेक्शंस आप फॉलो करें और इसको बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी प्रॉपरली आप फॉलो कर लें। ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। आगे चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे हम बनाएंगे। कॉलीफ्लावर और पोटैटोस दोनों को हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इनको हमने डीप फ्राई किया हुआ है। दोनों को हमने डीप फ्राई करके रख लिया है। अब हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे वो देख लीजिए। इसमें हमने लिया है 15 कलियां लहसुन ली है, 4 से 5 मिर्च ली है हमने, हरी मिर्च। सॉल्ट हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे और हमने 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया हुआ है। टमेटोज 1 किलो लिए हैं जो हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। आप प्लीज़ लाल टमाटर ही लीजिएगा वरना आपकी सब्ज़ी खट्टी बनेगी। उसको हम गार्निशिंग करने के लिए हरी कोथमीर ले लेते हैं बारीक कटी हुई। अब हम नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम उसमें सारे मसाले डालेंगे, जैसे कि हमने अभी ज़ीरा डाला। जैसे ही ज़ीरा स्प्लैटर होने लगता है अब हम उसमें कटे हुए हमारे बारीक बारीक लहसुन हम डालेंगे। उसी के साथ हम डाल देंगे उसमें हरी मिर्च कटी हुई। अब उसे हम हल्की आंच पर चलाएंगे, जैसे ही वो गुलाबी होंगे फिर उसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। ये देखिए हम मसाले को चला रहे हैं, जैसे ही वो हल्का गुलाबी हो जाता है। याद रखें हमें इसे बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है वरना ये मसाले जल जाएंगे। जैसे ये देखिए हल्के गुलाबी हो रहे हैं, अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इनको अच्छे से मिलाएंगे। टमाटर में हमने नमक ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए लिड लगाकर मीडियम आंच पर पकाएंगे। इसका टेक्सचर जब तक ऐसा होता है तब तक हमें पकाना है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है फ्राइड पोटैटोस एंड द फ्राइड कॉलीफ्लावर। अब हम सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इसको। आप सोच रहे होंगे कि हमने आधा आधा किलो सब्ज़ी ली है, आलू और वो गोभी, लेकिन हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं। तो इसका मकसद ये था कि इस सब्ज़ी का जो स्वाद है ना मेन टमाटर से ही है, इसीलिए हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं क्योंकि उसी से ग्रेवी है। बाकी आप अगर देखें इसमें इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। और अब स्वाद के लिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं पाउडर, वरना यू कैन स्किप इट। फिर इसको हम फाइनली बारीक कटी हुई हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। अब ये हमारी रेसिपी आलू गोभी इज़ रेडी टू सर्व। इसे आप गरम गरम नान, रोटी या पराठा, या फिर आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe.